Hello, welcome to my channel. Computer graphics. Computer graphics, अगर आप देखते हैं तो computer graphics से क्या समझते हैं? Computer graphics मतलब हम जो भी pictures computer में use करते हैं, जैसे कि हम presentation में use करते हैं और जो भी हम videos बनाते हैं उसमें use करते हैं, ये सारा computer graphics ही है. और आजकल जो है computer graphics बहुत इसका क्रेज है और सभी लोग यूज कंप्यूटर्स ग्राफिक्स बहुत यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है. तो चलो चलते हैं. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? आर पिक्चर्स एंड फिल्म्स क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर. कंप्यूटर ग्राफिक्स आर पिक्चर्स एंड फिल्म्स क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर्स. मतलब कि हम कंप्यूटर को यूज करके पिक्चर्स और फिल्म क्रिएट करते हैं. इट रेफर्स टू कंप्यूटर जनरेटेड इमेज डेटा क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज ग्राफिकल यूजर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज करके हम ये यूज करते हैं जो स्पेशलाइज हार्डवेयर. इट इज अ वास्ट एंड रिसेंटली डेवलप्ड एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस. और ये बहुत वास्ट है और अच्छा है. द फेस ये जो है 1960 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था. द कंप्यूटर ग्राफिक रिसर्च ऑफ वैन हडसन एंड विलियम फेटर ऑफ बोइंग समटाइम्स रेफर टू एज कंप्यूटर जनरेटेड सीजीआई. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है आप जानते हैं. कार्टून्स वगैरह में होता है, प्रेजेंटेशंस में होता है एंड प्रोसेस इमीडिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड. कंप्यूटर ग्राफिक्स डेवलप्ड हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मैनी टाइप ऑफ मीडिया, एनिमेशन, मूवीज, एडवर्टाइजिंग, वीडियो गेम्स एंड ग्राफिक डिजाइन इन जनरल. अब इसी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर आता है, फ्रेम बफर. ये फ्रेम बफर क्या है? फ्रेम बफर एक अगर हम बफर कहें कि बफर क्या है, तो बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज है. तो फ्रेम बफर क्या हुआ कि जो टेम्परेरी स्टोरेज का जो फ्रेम हुआ, तो इज अ पोर्शन ऑफ रैम. रैम का एक पोर्शन है जिसमें बिट मैप कंटेन होता है दैट ड्राइव्स अ वीडियो, जिसमें वीडियो डिस्प्ले होती है. इट इज अ मेमोरी बफर. ये मेमोरी बफर है कंटेनिंग अ कंप्लीट फ्रेम ऑफ डेटा. डेटा का कंप्लीट फ्रेम है. मॉडर्न वीडियो कार्ड्स जो हैं वो कंटेन फ्रेम बफर ही होते हैं, उसमें फ्रेम बफर में ही कंटेन होते हैं एंड सर्किटरी इन देयर कोर्स. अब ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम बफर है, ठीक है. और हम इसकी एक ईजी सी डेफिनेशन देखें तो ये है एन एरिया ऑफ मेमोरी यूज टू होल्ड द फ्रेम. मेमोरी का ऐसा एरिया जो उस फ्रेम को होल्ड करता है एंड कॉन्टिन्यूसली बींग सेंड टू द स्क्रीन, जहां पे कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पे सेंड किया जा रहा है. द बफर इज साइज ऑफ मैक्सिमम इमेज दैट कैन बी डिस्प्लेड एंड मे बी सेपरेट मेमोरी बैंक ऑन द ग्राफिक कार्ड. ग्राफिक कार्ड में सेपरेट मेमोरी बैंक होता है और भी रिजर्व होता है रेगुलर मेमोरी के लिए. अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन पे, वैक्टर स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले. तो वैक्टर जो है इसमें हम खाली लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं और कैरेक्टर्स कर सकते हैं, और रास्टर स्कैन में हम एरियाज होते हैं जो फील्ड होते हैं सॉलिड कलर्स और पैटर्न्स में, इनको पिक्सल्स भी बोल सकते हैं. डोंट यूज, और जो वेक्टर स्कैन है इसमें इंटरलेसिंग यूज नहीं होती और रास्टर स्कैन में होती है. तो इंटरलेसिंग है क्या, हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. तो इंटरलेसिंग है फर्स्ट स्कैन ऑड लाइन्स एंड देन इवन लाइन्स. तो जो गिफ है इसके बेटर एग्जाम्पल है ये. अब आते हैं हम इन वेक्टर स्कैन डिस्प्ले द बीम इज मूव बिटवीन द एंड पॉइंट्स. इसमें क्या होता है, ये एंड पॉइंट्स पे बीम करता है मूव, जैसे कि डॉट्स होती हैं, ठीक है. और इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले द बीम ऑल ओवर द स्क्रीन, वन स्कैन एट द टॉप एंड द बॉटम, पूरी ऑल ओवर द स्क्रीन होता है. इसका रेजोल्यूशन वेक्टर स्कैन का हाई होता है इसीलिए एक्सपेंसिव भी है. रास्टर स्कैन का रेजोल्यूशन लो होता है इसलिए लेस एक्सपेंसिव है. यूजेस मोनोक्रोम और बीम पेनिट्रेशन ट्राइप. बीम पेनिट्रेशन जो है वो रास्टर स्कैन में यूज होता है एंड इसमें टू कलर्स यूज होते हैं जैसे कि रेड और ग्रीन. और यूजेस मोनोक्रोम और शेडो मास्क. और रास्टर स्कैन में हमारा शेडो मास्क यूज होता है. तो बीम पेनिट्रेशन मैंने आपको बताया कि ये इसमें रेड और ग्रीन कलर होता है और यूजेस मोनोक्रोम और शेडो मास्क. शेडो मास्क जो है वो रास्टर स्कैन में यूज होता है. शेडो मास्क इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स यूज कर सकते हैं और से और कलर्स भी बन सकते हैं. और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस स्मूथ लाइन्स हम बना सकते हैं, जबकि रास्टर स्कैन में हम मैथमेटिकली स्मूथ लाइन्स, पॉलीगन और बाउंड्रीज
curved primitives or approximating them with pixel in the raster grid. Vector scan में editing easy होती है जबकि raster scan में editing difficult होती है. Refresh rate depends directly on picture complexity. ये picture complexity refresh rate जो है वो picture complexity पे depend करती है जबकि refresh rate independent होती है raster scan में of picture quality. Scan conversion vector scan में नहीं जरूरी होता जबकि raster scan में जरूरी होता है. तो आप इस डिफरेंस बिटवीन को रीड कर सकते हैं. तो अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स किए और बाकी टर्म्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम. और इस कंप्यूटर ग्राफिक्स में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम सॉल्व करेंगे. तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए. अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए. इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के वीडियोस हैं और बाकी मैं और वीडियोस इसमें अपडेट भी करती हूँ, अपलोड भी करती हूँ. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.